हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपकी एक छोटी सी फैमिली अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिछली वीडियो के आगे से, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 8 तक सवाल लगा लिए थे। हम लोगों ने प्रश्नावली 12.2 के 8 नंबर सवाल लगा लिए थे और 9वां नंबर सवाल से हम लोगों ने कंटिन्यू करना है। तो चलिए 9वें नंबर सवाल को देखेंगे और समझेंगे कि 9वें नंबर सवाल को कैसे हल करें, ठीक है। उसके बाद हम 9वें नंबर सवाल को आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के एक तार से बनाया गया है। कहा ना, एक वृत्ताकार ब्रूच है, जैसे मान लीजिए एक वृत्ताकार ब्रूच है, वृत्त की तरह है, ठीक है। आपको चित्र दिख रहा होगा, एक वृत्ताकार ब्रूच चांदी के तार से बनाया गया है, जो है ना पूरा चांदी के तार से बनाया गया, जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर, जिसका जो व्यास है ना वो कितना दे दिया है, व्यास दे दिया 35 सेंटीमीटर, पूरा व्यास कितना है 35 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये 9 नंबर सवाल है, दिया है कितना व्यास 35 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी जो तार है ना इसमें इस वृत्त के 5 व्यास को बनाया गया है। तो हम लोगों ने एक व्यास को बनाया है, ये हो गया आपका 2 व्यास, ये हो गया आपका 3 व्यास, ये हो गया आपका 4 व्यास, ये हो गया आपका 5 व्यास, यानी 5 व्यास आपका बनाया गया है, इतना हो गया। चलिए 5 व्यास हमने बना दिया। तो कहा है प्रयुक्त किया गया है जो उसके 10 त्रिज्यखंडों के बराबर है, यानी कहा है कि अगर 5 को अगर हम लोग व्यास बना दें तो ये कितना होगा, 10 को त्रिज्यखंड होगा। तो गिनिए कब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 को त्रिज्यखंड के बराबर है ना, ये आपको चित्र में ही दे दिया है। उसके बाद कहा है बराबर त्रिज्यखंड को विभाजित कीजिए, जैसे कि आकृति 12.12 में दिया गया है, जैसे कि आकृति में दिया गया है। कहा है पहला, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, पहला कहा है, चलिए कुल वांछित तार की लंबाई, तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे तार की लंबाई। एक बात ध्यान दीजिए, तार की लंबाई, तो पूरी तार की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जिस तार से इस वृत्त को बनाया गया है उस तार की लंबाई कितनी है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि जिस तार से इस वृत्त को बनाया गया है उस तार की लंबाई कितनी है। तो ध्यान से देखेंगे तो इस तार, देखिए मान लीजिए एक तार है, इस तार को मैंने मोड़ कर इस प्रकार रख दिया तो एक वृत्त बन गया कि ना बन गया। इसका मतलब कि जिस तरह को हमने लपेटा है वो क्या बन गया, वृत्त बन गया। आई वृत्त का पूरा बाहरी भाग को क्या कहते हैं, परिमाप। तो ये हो गया आपका परिमाप, यानी अगर आप परिमाप निकालेंगे तो आपके वृत्त का जो बाहर के एरिया की लंबाई है वो आपको पता चल जाएगी। तो आप निकालेंगे वृत्ताकार भाग बनाने के लिए आवश्यक तार, क्या निकालेंगे, वृत्ताकार, वृत्ताकार भाग बनाने के लिए आवश्यक तार, आवश्यक तार। तो तार कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा परिधि है तो परिधि हो जाता है आपका 2πr, 2 × π, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। अब यहाँ पर r का मान क्या रखेंगे, देखिए त्रिज्या 35 सेंटीमीटर दिया है तो r कितना हो जाएगा, त्रिज्या का आधा यानी 35/2, तो यहाँ हो जाएगा 35/2, 2 से कटा दीजिए 11 बार में, 7 से कटा दीजिए 35 बार में, 7 × 5 = 35। अब देखिए 11 × 2 = 22, ठीक है, देखिए 11 × 5 = 55 और 55 × 2 = 110, तो ये हो गया 110 सेंटीमीटर। यानी जितनी तार आपको इतना बनाने में लगा है ये है 10 सेंटीमीटर, लेकिन पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है पूरे जैसे इसको बनाने में कितने तार लगे हैं, कितने सेंटीमीटर, तो आपने सिर्फ अभी इतना ज्ञात किया है कि सिर्फ इस गोले को बनाने में कितने सेंटीमीटर तार की आवश्यकता लगी। अब चलिए, अब चूंकि हम लोगों को 5 व्यास दिया है, एक इस तरह 2 × 3 × 4 × 5, यानी 5 व्यास हम लोगों को दिए हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए एक व्यास की लंबाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर। एक अगर व्यास की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो 5 को अगर गुणा कर देंगे तो 5 व्यास की लंबाई आसानी से निकल जाएगी। आप कहेंगे हाँ आसानी से निकल जाएगी, तो चलिए 5 व्यास की उसकी व्यासों की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि 5 व्यास में लगाया गया तार, आप यहाँ पर लिखेंगे 5 व्यास में लगाया गया तार, लगाया गया
तार कितना हो जाएगा, तो टोटल था 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार था और कितना था, पाँच थे, तो कितना हो जाएगा, पाँच पचे 25 और पाँच तेईम 15, देखिए 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 15 दो कितना हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। अब चलिए, आपने व्यास भी ज्ञात कर लिया और अब क्या ज्ञात करेंगे, अब हमें पूछा था पूरी तार की लंबाई, तो भाई साहब पूरी तार की लंबाई अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैंने बाहर का भी बता दिया अंदर का भी बता दिया, मैंने देखिए इस बाहर वाले गोले का भी लंबाई बता दिया कितना 110 सेंटीमीटर, और जो अंदर तारें लगी हैं उन तारों का भी लंबाई टोटल का बता दिया कितना 175 सेंटीमीटर, तो वांछित तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कुल आवश्यक तार या तार की लंबाई या कुल आवश्यक तार, कुल आवश्यक तार बराबर, अब देखिए 110 प्लस 175 दोनों को जोड़ देंगे तो हाई हो जाएगा 5, हाई हो जाएगा 8 और हाई हो जाएगा 285 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका क्या, पूरी तार की लंबाई, ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन। तो पूरी तार की लंबाई पूछा था तो हम लोगों ने पूरी तार की लंबाई बता दी। अब चलिए, हम लोग को सेकेंड पार्ट भी पूछा था, और सेकेंड पार्ट पर क्या था, तो सेकेंड पार्ट पूछा था ब्रूस में प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भाई साहब आपको त्रिज्यखंड कहा है, कितना कहा है, त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब एगो भाग, प्रत्येक का मतलब एगो, यानी एगो त्रिज्यखंड का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। अब चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बताइए तो अगर हाई पूरा आपकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपका 35/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको कोण नहीं दिया है। अब आप कोण कैसे ज्ञात करें, तो भाई साहब देखिए कोण थीटा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल वृत्त कितने अंश का होता है, तो आप कहेंगे भाई साहब टोटल वृत्त 360 अंश का होता है, टोटल वृत्त हमेशा याद रखिएगा कितने का होता है, तो टोटल वृत्त 360 अंश का होता है, तो यहाँ हो गया 360/2। अब देखिए कौन व्यास है, व्यास की लंबाइयाँ कितनी है, देखिए कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 गो आपकी त्रिज्याएँ हैं, 10 गो त्रिज्याएँ हैं तो 10 से भाग दे दीजिएगा, यानी 10 गो डब्बे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी जितने डब्बे रहेंगे ना उतने ही का उसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, आ गया 36 डिग्री, तो यानी जो थीटा का मान आया वो कितना आया 36 डिग्री। अब पूछा है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप निकाल दीजिए ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360, देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2 गुणे 35/2, थीटा का मान आपने निकाला है कितना 36/360। अब देखिए 7 × 5 = 35, 36 × 360, अब देखिए 5 × 5 = 10, 2 से कटाइए 2 = 22, अब ऊपर बच गया 11 × 35 और नीचे बच गया 2 × 4, अब 11 × 35 में गुणा कीजिए कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, 5 × 3 कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3/4 आंसर, यानी 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये पूछा था हम लोगों से पूरी तार की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोगों ने पूरी तार की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत आसानी तरीके से सीख लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर टॉपिक पर, जल्द से जल्द बढ़ेंगे, तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। सवाल नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहा है कि एक छतरी में 8 तने हैं, एक छतरी बना लेते हैं, चलिए एक यहाँ बिंदु है, एक छतरी है, ठीक है, यहां से निकाल दीजिए, कहा है ये छतरी है, छतरी में क्या कहा है कि एक 8 तने वाली छतरी है। अब चलिए एक छतरी की एक और भाग दे दिया है हम लोग को, वो देखते हैं, वो हम लोग को ये दिया है, फिर देखिए जैसे जैसे दिया है मैं वैसे वैसे आपको बता रहा हूँ।
अरे इस तरह नहीं, नहीं देखिए एक वृत्त बना दे रहा हूँ आपको, चित्र में देखना है कितना कहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कहा है ना, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। देखिए 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। कहा है कि एक 8 तने वाली छतरी जो बराबर दूरी पर लगी हुई है, कहा है बराबर दूरी पर लगी हुई है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त वृत्त बनाने के लिए। त्रिज्या कितना दे दिया है, तो त्रिज्या दे दिया है आपका 45 सेंटीमीटर। त्रिज्या सपाट बनाने के लिए दो क्रमागत तनों के बीच की क्षेत्रफल क्या होगी, दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल बताइए, दो क्रमागत तना का है ना, तो एक मानिए इसको चाहे किसी को मान लीजिए, एक मानिए इसको, तो दो के बीच का क्षेत्रफल का है, तो मान लीजिए एक वो ई वाला है और एक ई वाला है, तो इसके बीच का क्षेत्रफल का है कि ज्ञात कीजिए। अब चलिए त्रिज्या जबकि हम लोग को दे दिया है कितना 45 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए त्रिज्या जब दे दिया है 45 सेंटीमीटर, तो आप थीटा का मान निकाल लीजिए। देखिए टोटल वृत्त कितने का होता है, 360 अंश का, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखिए कितने, मैंने बताया था कि जितने डब्बे होंगे उतने इसमें भाग दे दीजिएगा, तो कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, तो 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग देंगे तो आएगा 45, हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर नहीं 45 डिग्री आएगा, कितना आएगा 45 डिग्री। अब आपसे कहा है कि दो गो के बीच की दूरी ज्ञात की, दो गो के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दो गो तनों के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है आपका, त्रिज्यखंड कहलाएगा, तो आप निकालेंगे यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। अब ध्यान से देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 आर, आर का मान कितना होगा, तो आर का मान ध्यान से देखिए 45 दिया है, तो 45 गुणे 45, थीटा का मान कितना दिया है 45/360। चलिए 45 से कटेगा, 45 दूना 90, ठीक है 45 दूना 90, 90 छः को 4 बार में कटेगा, देखिए 5 चौक को 20 को 16 हाथ में लगा दूँ और 4 चौक को 16 नहीं कैसे 8 बार में कटेगा, देखिए 45 का 8 में गुणा कीजिए ना, 8 5 40 हाथ में लगा 4 और 6 को 32 32 4 36 8 बार में कटेगा। अब चलिए 8 बार में कटा दिए, अब क्या करेंगे, 2 से कटाइए 2 2 4, 2 से कटाइए 2 6 को 8, 2 से कटाइए 11 2 22, अब कुछ कटने वाला है तो अब नहीं कुछ कटेगा, तो ऊपर लिख दीजिए 11 45 गुणे 45 बटे में नीचे 7 गुणे 4। अब सबका आपस में गुणा कर दीजिए, तो चलिए सबका आपस में गुणा करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ देखिए कितना है, 11 गुणे 45 45 को वर्ग कितना होगा, तो 45 45 को हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा लास्ट में, और फिर क्या हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, कितना 4 5 20 हो जाएगा। देखिए 45 का वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान से देखिएगा, वर्ग निकालने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ट्रिक ये है आपका ध्यान से देखिएगा कि आपके लास्ट में 5 है ना, 5 का वर्ग कर दीजिए 25, आगे कितना है 4, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 5, और हुए 5 के 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 20। लीजिए आपको ट्रिक भी मैंने बता दिया एक वर्ग निकालने का, तो अब चलिए इतना हो गया बटे में सच्चों कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, गुणा कीजिए। देखिए अब 11 का गुणा करना है, तो 11 का गुणा करने का मैं ट्रिक बताता हूँ, सबसे पहले मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ होगा 5, देखिए 11 का किसी संख्या में गुणा करना है ना, तो सबसे आसान तरीका है वो क्या, देखिए सबसे पहले लास्ट वाले को लिखिए, फिर लास्ट वाले उसके आगे वाले को जोड़िए, कितना हो जाएगा 7, फिर क्या करेंगे फिर ना उस वो और उसके आगे वाले को जोड़िए, तो दो दो में जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो दो में जीरो जोड़ेंगे तो होगा 2, उसके बाद क्या कीजिए फिर इसको इसके जगह पर लिखना है ना, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो इसमें आगे वाला 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2। अब लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में 2 बच गया, तो 2 को उतार दीजिए बटे में 28 आंसर, ये हो गया आपका आंसर। मैंने 11 से गुणा करने का आपको ट्रिक भी बता दिया, 45 का है जैसे किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो तो उसका वर्ग निकालने का भी ट्रिक इसमें बता दिया, और आपको क्वेश्चन भी लगाना बता दिया। तो चलिए कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन जल्द से जल्द बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 9 10 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने आसानी तरीके से लगा दिया, तो चलिए सबसे पहले अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर, जल्दी से जल्द इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए तो इसको भी हम मैं मिटा देता हूँ,
चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहा है कि किसी तार के दो वाइपर हैं, तार के दो वाइपर हैं, का तार नहीं कहा है, कार का है, किसी कार के दो वाइपर हैं। समझ लीजिए कि कार ये है, कार के वाइपर ये से हैं, दो वाइपर होते हैं ना जो शीशे को साफ करते हैं, तो कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी अछांतित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर लंबाई की पत्ती है, यानी त्रिज्या दे दिया 25 सेंटीमीटर, और कहा है 115 अंश के कोण पर घूमकर साफ करते हैं, कितना 115 अंश के कोण पर घूमकर साफ करते हैं। तो कहा है कि पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ क्षेत्रफल साफ होगा, यानी कहा है कि पत्ती जितना एरिया चलेगी वो क्षेत्रफल साफ होगा। अब चलिए ध्यान से देखिए, इतना ही डिग्री सेंटीग्रेड में पत्ती चल सकती है, तो पत्ती इधर आएगी तो इतना ही मारेगी, ई वाली पत्ती उधर जाएगी तो उतना ही मारेगी, तो यानी आपका जितना एरिया होगा ना वही आपकी पत्ती जो होगी वाइपर जो होगा उसको साफ करेगा एरिया को। तो आपका ये पूरा क्या दिख रहा है, आप कहेंगे पूरा ये त्रिज्यखंड दिख रहा है, तो त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पूरा एरिया का मान निकल जाएगा, तो आप निकालेंगे 11 नंबर में लेंगे यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई साहब जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान 25/25, थीटा का मान 115/360। अब चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कैसे, ध्यान से देखते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं कैलकुलेशन करेंगे कैसे। अब एक बात और अगर आप ध्यान से सुन लें मेरी बात तो वो आसानी होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितनी वाइपर की बात की गई है, दो वाइपर की बात की गई है। तो भाई साहब अगर यहाँ पर दो वाइपर की बात की गई है तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे। तो अब चलिए दो से हम लोग यहाँ पर गुणा कर देते हैं, क्योंकि बात किसकी की गई है, तो बात की गई है आपकी दो वाइपर की, तो दो वाइपर की बात की गई है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे। अब चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए इसको कटाएंगे कितनी बार में, इसको कटाएंगे 23 बार में 5 से, इसको कटाएंगे कितनी बार में, इसको कटाएंगे 72 बार में, इसको कटाएंगे 11 बार में, इसको कटाएंगे 36 बार। अब देखिए चलिए हई दू है ना, दू से कमा दू कमा दू, ये कट जाएगा 18 बार में, ऊपर बच गया क्या, ऊपर बच गया आपका 11/25/25/23 बटे में नीचे बच गया 7/18। अब चलिए गुणा कीजिए, ऊपर का अगर ऊपर का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा वो ध्यान से देखिए, तो ऊपर का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 158125 बटे में, अगर नीचे का गुणा करेंगे तो 7/18 में गुणा करेंगे तो आएगा 126 योगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। आसानी तरीके से लग गया, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना था, जितनी टाइट आपकी कैलकुलेशन रहेगी इस सवाल को आप उतनी अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगा लिया, अब बढ़ेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ का है वो देखिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन दिख जाएगा, कहा है कि जहाज़ों को समुद्र के जल स्तर से नीचे की स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण को 80 अंश वाले एक त्रिज्यखंड में है। कहा है कि 80 अंश वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किमी की दूरी पर एक लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, तो समुद्र से उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा रही है। अब बताइए आपको कहा है कि जहाज को चेतावनी दी जा रही है कितनी पर, दो जहाजें हैं, कहा है ना कि दो जहाजें हैं, मान लीजिए ये दोनों जहाज हैं, ये एक लाइट हाउस है, ये दो जहाजें हैं, दोनों को ना बीच में चट्टान की ना सूचना दी जा रही है, तो एक लाइट हाउस से सूचना दी जा रही है, ठीक है, लाइट हाउस से सूचना दी जा रही है, और कहा है ना ये लाइट का कोण कितना है 80 डिग्री है, तो कहा है ना कि उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कहा है सीधे की चेतावनी जहाँ जहाँ दी जा रही है उसके बीच का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे और त्रिज्या का मान कितना दे दिया है 16.5 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, कितना किलोमीटर में है, तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर में लिख लेंगे। चलिए तो दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो त्रिज्या
खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर गुड़े थीटा बटे 360। और ध्यान से देखेंगे तो कहा है कि पाई का मान 3.14 रखिएगा, तो हम भी अब देखेंगे क्या करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16.5 गुड़े थीटा का मान 80/360। अब चलिए अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। ध्यान से देखिएगा, जीरो से जीरो कट गया, चार से कटाइए, चार दूना क्या आठ, चार नौ छत्तीस। ऊपर देखिए 3.14 × 16.5 × 16.5 × 2/9 कितना हो जाएगा 9। ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर की तीनों संख्याओं का गुणा कीजिए तो कितना आएगा, तो ऊपर की तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कितना आएगा। अब चलिए चलिए गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो ऊपर की कितनी संख्याओं का मान कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गुणा करना है हम लोग को 3.14 में, कितना 3.14 का गुणा करना है हम लोग को 16.5, फिर गुणा करना है 16.5, फिर गुणा करना है हम लोग को 2 का, तो आएगा जो आपका वो आएगा 17.09.73। इसमें भाग किसका देना है, 9 का, तो इसमें भाग दे दीजिए आप 9 का, तो 9 का भाग देंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 89.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका क्षेत्रफल का फार्मूला, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका क्षेत्रफल, यानी 189.9 किलोमीटर इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल होगा। इन दोनों के बीच की एरिया कितनी होगी, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अब चलिए 12 नंबर भी क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। जल्दी से जल्दी 12 नंबर क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। चलिए तो इसको भी हम मिटा देता हूं, ले चलता हूं आपको किस पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़कर सुनाते हैं। कहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, एक गोल मेज पोस्ट है जिस पर 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, आपका गोल मेज पोस्ट बना रहा हूँ। मान लीजिए गोल मेज है, ठीक है, इस पर डिजाइन बनी हुई कितनी, 6, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह मेज पर डिजाइन बनी हुई है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह बना है, इस तरह कुछ डिजाइनें हैं आपके मेज पर। फिर देखिए, चलिए मैंने चित्र बना दिया। कहा है कि एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइनों वाली बने हुई हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या दे दिया है आर बराबर, त्रिज्या कितना दे दिया है 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन को बनाने में लागत कितना लगेगा। अब कहा है कि रूट थ्री का मान अगर प्रयोग करना है तो रूट थ्री का मान प्रयोग कर दीजिएगा 1.7। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग को बनाने में कितना पैसा लगेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या कितना दे दिया है वो देखते हैं, त्रिज्या दे दिया आपका 28 सेंटीमीटर। चलिए जब त्रिज्या भाई साहब आपका 28 सेंटीमीटर दिया है तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखिए, इसको आप इसमें मिला सकते हैं, त्रिज्या दे दिया आपका 28 सेंटीमीटर, आप चाहें तो इसको इसमें भी मिला सकते हैं, इसको इसमें भी मिला सकते हैं। तो त्रिज्या दे दिया आपका 28 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेज पोस्ट की त्रिज्या दिया 28 सेंटीमीटर, तो थीटा कितना होगा वो ध्यान से देखिए, थीटा कितना होगा वो ध्यान से देखिए, अगर आप इसको भी मिला दीजिए। अब बताइए कितना भाग बना, 1, 2, 3, 4, 5 छः को भाग बना, तो थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 360/6, तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा 60 अंश। अब चलिए यहाँ से अपने थीटा का मान भी निकाल लिया, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग लगा रहे हैं। अब चलिए आपने इसका भी मान लिया, मान निकाल लिया, तो 6 डिजाइनों से बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब निकालेंगे हम लोग 6 डिजाइनों से बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 डिजाइन दिया है तो 6 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए
एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये त्रिज्यखंड है ऐसा, यही है ना त्रिज्यखंड, अगर अलग से निकालें तो त्रिज्यखंड ऐसा ही दिख रहा है। अब चलिए, अगर आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ डिजाइनिया का क्षेत्रफल निकालना है आपको, सिर्फ डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के क्षेत्रफल में से, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, इन्हें इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुजवा का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका आसानी से निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे, ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, एक बटे दो आधार, आधार और साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर आप साइन थीटा भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। साइन थीटा आसान होगा तो यहाँ आर स्क्वायर साइन थीटा लगा दीजिए, ठीक है। अब चलिए, साइन थीटा मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने इसलिए लगाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने लगाया एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई याद करने के लिए मैंने क्या लिखा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपको याद रख लेना है। अब चलिए सिर्फ हम लोग को कैलकुलेशन करना है, यहाँ कितना दिया है, यहाँ मान दिया है आपका 6, ये हो जाएगा 22/7, आई आर का मान कितना हो जाएगा 7, आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान कितना दिया आपका 28, तो 28 गुणे 28, थीटा का मान 60 बटे में आई हो जाएगा 360। अब चलिए फिर माइनस एक बटे दो, आर का मान कितना दिया है 28 गुणे 28, साइन थीटा का मान, साइन थीटा यहाँ हो जाएगा साइन, थीटा का मान कितना दिया 60, तो आप निकाल लेंगे 60। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे वो देखते हैं ध्यान से, तो ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको करना कुछ नहीं है, 7 से कटाइए ना, 7 × 4 = 28, 4 वर्ण में कटेगा, और 6 से कटाइए, 6 से 6 × 6 = 36, यानी आपको ऊपर 4 आ गया नीचे 6 आ गया, तब ऊपर का गुणा कर दीजिए, इधर कटेगा आपका 14 बार में, तो 2 से कटा दीजिए कितनी बार में, 14 बार में, ये हो गया 6, गुणा कीजिए 22 × 4 = 28, तो 22 × 4 = 28 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 24 / 64 बटे में, ये हो गया आपका 6 माइनस। अब ध्यान से देखिए, हाई क्या था, 1 14 को 28 में गुणा कीजिए, तो भाई साहब 14 को 28 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 14 को 28 में गुणा कीजिए, पहले देखिए 14 को 28 में गुणा करते हैं, चलिए देखते हैं 14 × 28, अरे नहीं रहने दीजिए, गुणा कहें करेंगे, हाई देखिए, हाई 14 था, हाई 28 था, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। अब देखिए 2 से कटा दीजिए, 2 × 7 = 14, और आसान हो गया, अब देखिए हो जाएगा 6, हाई हो जाएगा 264 2/6 माइनस, अब 7 को गुणा कर दीजिए 28 में, तो 7 को गुणा कर देंगे 28 में तो आएगा आपका कितना, ध्यान से देखते हैं, 7 को गुणा कर दीजिए 28 में, चलिए 7 को गुणा जब 28 में करेंगे तो 7 वाटे कितना होगा, तो 7 वाटे होगा 56 × 6 है तो मिलेगा 5, 7 × 2 कितना होगा 14, 14 × 5 कितना होगा, तो 14 और 5 हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 196, ये हो जाएगा √3। अब चलिए, अब आपको यहाँ पर लसा लेना है, यहाँ पर क्या करना है, लसा लेना है, तो चलिए लसा लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पर बाहर 6 था ही, लसा लेना है, तो नीचे लसा लेंगे तो लसा कहीं भी इसके नीचे 1 हो सकता है, तो 1 × 6 = 1 होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो ये 1 × 6 = 1 इतना होगा, 6 × 6 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का इसी संख्या में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा 2 × 4 = 6 = 4 माइनस, 1 × 6 में भाग देंगे तो 6 आएगा, और 6 × 196 में गुणा कर दीजिए, तो 6 × 196 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1176, आई √3 था तो √3 डाल दीजिए। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं, अब अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, और ध्यान से देखें, अगर आप इसको हटा दें तो ये 6 से 6 आपका आसानी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि बाहर गुणा में था। अब चलिए सॉल्व करते हैं, 2 × 6 = 2 4 × 6 = 4 माइनस 1176 गुणे 1.√3 का मान कितना दिया है, तो √3 का मान दिया है 1.7, कितना दिया है 1.7, तो आप यहाँ पर गुणा कर देंगे 1.7 की। अब देखिए 2 4 6 4 माइनस 1176 में 1.7 का गुणा कीजिए, तो 1176 में 1.7 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1999.2, और घटा दीजिए 24 64 में ले 1999.2 को घटाएंगे तो आएगा आपका कितना 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कुछ करना नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था। जितनी आसानी तरीके से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं उतनी आसानी तरीके से आप कैलकुलेशन निकालिएगा। इसमें सबसे पहले आपको पूछा था सिर्फ डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का मतलब जो डिजाइन मैंने बनाया है इसका क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, आपको एक त्रिज्यखंड निकाल लेना है। अगर एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड का, देखिए मैंने अलग से भी बताया था कि एक त्रिज्यखंड है, ये एक त्रिज्यखंड है, एक इस त्रिज्यखंड का पूरा का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम इस त्रिभुजा का सिर्फ क्षेत्रफल निकाल दें बाहर, तो आपका इसका आसानी से निकल जाएगा। तो मैंने वही काम किया। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक 60 अंश था, एक कोण 60 अंश था। तो ध्यान से देखेंगे एक थीटा का मान कितना था, 60 अंश था। तो एक थीटा का मान जब भाई साहब 60 अंश था यहाँ पर, तो यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। तो अब बताइए तीनों 160 हो गए, तो तीनों संभावित त्रिभुज हो गए ना। तो संभावित त्रिभुज का यहाँ पर फार्मूला भी आप लगा सकते थे क्या, संभावित त्रिभुज का फार्मूला लगा सकते थे √3/4a². वही बात मैंने यहाँ भी किया, √3/4a² कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ भी बात मैंने वही की है, √3/4a² कैसे, देखिए ध्यान से इसको तोड़ेंगे तो 1/2। अब देखिए √3/2 इसको तोड़ सकते हैं ना, 1/2 गुड़े √3/2 गुड़े a² का मतलब त्रिज्या r². अब ध्यान से देखेंगे e 1/2 था, और √3/2 को क्या लिख सकते हैं, तो √3/2 को आप लिख सकते हैं sin 60 अंश गुड़े a². तो बात तो वही ना आ गई हम लोगों की, 1/2 गुड़े sin 60 अंश गुड़े a², तो 1/2 और sin 60 अंश और a² यानी r², यानी बात वही आ गई। या तो आप लगा सकते हैं क्या यहाँ पर संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो आप लगा सकते हैं इसको, आपको मैं यहां पर लिख देता हूं, या तो आप लगा सकते हैं संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं कितना, 4/√3/4a², या तो आप लगा सकते हैं क्या 1/2a² sin θ। इन दोनों में से कोई भी फार्मूले को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसी को यूज किया है, सेकेंड वाले फार्मूले को। आप फर्स्ट वाले फार्मूले को यूज करते हैं तब भी इतना आता, सेकेंड वाले फार्मूले को यूज करेंगे तब भी इतना आता। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से सीख लिया। अब चलते हैं हम लोग सीधे डायरेक्ट 14 नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ और अब ले चलूंगा आपको 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो आते हैं अब 14 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन कहाँ क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहा है कि त्रिज्या आर वाले, कहा क्या है ध्यान से देखिए, कहा है कि त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी है। अब बताइए त्रिज्या आर दे दिया है, 14 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या कितना दे दिया, आर दिया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है पी कोण। तो कहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, π r² / θ/360। अब देखिए पाई का मान पाई, स्मॉल आर का मान कितना दिया है कैपिटल आर, गुड़े थीटा का मान कितना दिया है PQ/360। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है क्या, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 12.2 को पूरा समाप्त कर दिया है। आज के वीडियो में मैंने क्या किया, आज के वीडियो में मैंने आपके प्रश्नावली 12.2 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो कल बढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 12.3 की ओर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।